आपको लगता है बापू बिचारे कितना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, आपको मेरे पर दया आती होगी, लेकिन मुझे तुम्हारे पर दया आती है कि तुम कितने कितने खजाने के मालिक होकर जैसे अरबों खरबों का धन गड़ा हो और वो आदमी चार पैसे की नौकरी करता हो, ये हालत है तुम्हारी। विश्वनीयता परमात्मा सतरूप आनंद रूप शुद्ध बुद्ध ब्रह्म तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है और तुम बीते हुए का शोक करके परेशान हो रहे हो, आने वाले भविष्य का भय करके भयभीत हो रहे हो और वर्तमान में ये चला न जाए चला न जाए भयभीत होकर उसके पिट्ठू बन रहे हो। अरे जो अवस्था आएगी वो तो जाएगी, डरने की क्या जरूरत है, फिर नया आएगा, ये शरीर जाएगा तो नया मिलेगा, नहीं मिला तो मुक्ति हो जाएगी, ये बात तुम नहीं जानते इसलिए खामखा परेशान हो रहे हो, खामखा भयभीत हो रहे हो, खामखा शोकातुर हो रहे हो, खामखा चिंतित हो रहे हो और खामखा बीमार हो रहे हो। आपको कोई डॉक्टर बोले ना आपको ये है एडमिट हो जाओ बाईपास सर्जरी कराओ, तुम बोलना हमारे बापू एडमिट होंगे ना उस दिन हम आएंगे। बापू जब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते तो बेटे काहे को हो, आपको पता नहीं, आप बाहर से देखते मैं तो बड़ा, मेरे में बहुत शक्ति है, मैं नारंगी को बापू बना देता हूँ, दाल के पानी को बापू बना देता हूँ, सब्जी को बापू बना देता हूँ, बोलो, ऐसा मैं चैतन्य हूँ और तुम भी ऐसे ही हो। तुम बनाते कि नहीं बनाते हो, तुम रोटी को मनुष्य बना देते हो, रोटी में से बेटा बेटी बना देते हो, तुम्हारा चैतन्य कितना समर्थ है, तुम में वहम है कि कोई सृष्टि करता आकाश पाताल में बैठा है, वो वही हमको नचा रहा है चला रहा है, नहीं नहीं वो तुम्हारे से दूर होकर कहीं बैठा है, नहीं तुम्हारा आत्मा ही वो सृष्टि करता है सब। रात को सपने में तुम नहीं करते क्या, तुम जिस चीज़ को अपनी मानते हो प्यारी मानते हो तो महत्वपूर्ण हो जाती है, और जिससे नफरत करते हो, मित्र आजकल प्यारा लग रहा था अब किसी बात पे अड़ गए तो शत्रुता हो गई, अब उसके दुर्गुण दिखते, तुम जिसको ठुकरा दो वो तुच्छ हो जाता है और जिसको अपना लो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तुम्हारा अंतरात्मा कितना महत्वदाता है, अपने अंतरात्मा में शांत बैठा करो, दो मिनट भी निसंकल्प बैठो तो बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। तो मैं रात्रि को सोते समय भी थोड़ा सत्संग सुनते सुनते सोता हूँ, निसंकल्प होता हूँ, सुबह उठता हूँ तभी भी रात्रि का ध्यान में सुबह उठता हूँ, इससे मेरा आध्यात्मिक खजाना भी भरपूर रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। मेरे को छुपाने की आदत नहीं, खुली किताब है। किसी ने पूछा लेकिन मैं क्या होलसेल में ही बता देने, क्यों एक दो दो को बताऊं, साधना वादना कोई मैं ज़्यादा देर माला नहीं फिराता हूँ, थोड़ी सी माला का नियम है वो कर लिया बस, बाकी तो भगवत शांति में, भगवत ध्यान में, भगवत चिंतन में, सुमृति में, एक क्रियाजन्य सुमृति होती है, जैसे गाड़ी भी चला रहा है, गियर भी बदल रहा है, स्टीयरिंग भी कंट्रोल में है, रास्ता भी देख रहा है और पीछे दोस्त से या परिवार से बात भी कर रहा है, क्रिया होते हुए भी सुमृति उसकी बनी रही सड़क की, ये क्रियाजन्य स्मृति है, स्वाभाविक है, सबके पास है। तो जैसे ड्राइवर को सड़क की स्मृति है, ऐसे ही केवल सड़क की स्मृति नहीं है, सड़क की स्मृति के साथ कई स्मृतियां उसकी साथ में भी चलती, चलेगी कि नहीं चलेगी, ऐसे ही माम अनुस्मर युद्धस्व, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। तो युद्ध एक कर्म है और भगवान का स्मरण भजन है। तो एक है स्मृति प्रधान कर्म, कर्म सहित स्मृति, तो इसमें कर्म की महत्ता है, स्मृति का न्यूनता है। दूसरा है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अभिमान के लिए नहीं, शरीर का अपना या परिवार का पालन पोषण कर्तव्य बुद्धि से आप कर्म करते हैं और उसका फल ईश्वर को अर्पण करते हैं, तो यहाँ ईश्वर मुख्य हो गया और आपका कर्म गौण हो गया, स्मृति मुख्य हो गई,
ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली। तीसरी होती है ज्ञान जन्य स्मृति। जैसे मुझे पता है मैं आशाराम हूं, तो ना आशाराम हूं रटना पड़ेगा, ना माला घुमाना पड़ेगा, ना किसी से पूछना पड़ेगा, हूं तो हूं। तो मेरी गहराई में ये स्मृति बनी रही है। नींद में भी होऊंगा तो ये नाम से कोई पुकारेगा तो मैं जल्दी खुल जाएगी आंख। ऐसे ही मैं चैतन्य हूं, ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, व्यापक विभू। ये अपने स्वरूप की स्मृति। जैसे पत्नी को पता है कि मैं कमला हूं और मोहन की पत्नी हूं, तो ए मोहन की पत्नी, ओ कमला मोहनलाल, हे कमला मोहनलाल, तो उसको पूछना नहीं पड़ेगा, वो पक्का है उसको। ऐसे ही अपने स्वरूप की जिसको अनुभूति हो गई, उस नशे में वो सहज स्मृति में रहता हूँ। इसलिए मुझे भगवान की स्मृति नहीं करनी पड़ती है। कर्म करते समय भगवान की स्मृति करो, ये करो, उस सब से मैं, मेरे को गुरुजी ने आगे निकाल दिया। तो फिर सहज समाधि संत की, तो कहावत है सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। इंद्र कहते हैं मैं 33 करोड़ देवताओं से तो पूजा जाता हूं, लेकिन मुझे भी मजा चाहिए, तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, रागी राग बनाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन ये महापुरुष का तो कोई स्मरण करता है, दर्शन करता है, सत्संग सुनता है, तो उनको भी स्वर्गीय सुख से भी आनंद, चिन्मय सुख मिलने लगता है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे, ये भगवत भाव जन्य स्मरण है। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, ऐसा कीर्तन करो, ऐसा सुमरण करो, तो ये क्रियाजन्य सुमरण से भावजन्य सुमरण तुम्हारा बहुत बढ़िया रहेगा। बड़े बड़े दुख में भी आपको दुख से मुक्त कर देगा। जय दयाल कसेरा बड़ा भारी सेठ था कलकत्ते का, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। एसपी साहब बड़ा पुलिस का, उसने फोन किया, जय दयाल कसेरा साहब बोलते हो? बोले हाँ, मैं आपको एक दुखद समाचार बताने जा रहा हूँ, जरा हिम्मत करना। हाँ हाँ बोले, बोलो कोई बात नहीं। बोले आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बड़ी दुखद बात। अरे बोले हो गया तो हो गया, क्या है, बेटा जिंदा है कि मर गया? बोले तुम उसके सगे पिता? बोले हाँ, बोले मैं जयदयाल उसका सगा पिता बोल रहा हूँ, सोतेला पिता नहीं हूँ। बोलो क्या बात है साहब? कसेरा साहब तुम हंस रहे हो? अरे बोले वर्तमान को आनंद में करो, दुखी होने से बेटा पैदा, बेटे का एक्सीडेंट बदल नहीं जाएगा, दुख काय को बनाना। भगवान की स्मृति से, भगवान का सब है, हम भगवान के बेटा, भगवान का सब, भगवान का। बोले आपका बेटे का भयंकर एक्सीडेंट हुआ? बोले वो तो हमने समझ लिया भयंकर एक्सीडेंट हुआ, अभी वो जिंदा है कि मर गया? अगर मर गया है तो उसकी शमशान यात्रा की तैयारी करके हम आए, अगर जिंदा है तो अस्पताल में भर्ती कराए। बोले अस्पताल लाते लाते वो मर गया। बोले कोई बात नहीं, जो भगवान की मर्जी। अब वो तुलसी के पत्ते ले गए, गाय का घी ले गए, मुँह में तुलसी के पत्ते डाले, गाय के घी का पुआ डाला, नाभी पे गाय का घी रखा, हाथ घुमाया, बेटे तुम शरीर नहीं हो, मरा है तो शरीर मरा है, ये 5 भूतों के पुतले तो बनते रहते, तुम चैतन्य हो, आत्मा हो। चादर डाल के कीर्तन चालू हो गया, सिविल हॉस्पिटल कलकत्ता। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख धाम हरे मेरे राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि प्रभु।
जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, सुख धाम हरे आत्म राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय ये क्या कर रहे हो? सिविल सर्जन आए, बोले क्यों? बोले ये सिविल हॉस्पिटल है कलकत्ता की। बोले कलकत्ता की तो हिंदुस्तान की है ना। बोले ये गोविंद हरे भगवान का नाम ले रहे हो अस्पताल में, तो बोले क्या ये रावण की लंका है क्या? सब मिलके बोलो, तुम भी बोलो डॉक्टर, गोविंद हरे गोपाल हरे कई बेचारे ऐसे ही मर गए होंगे, उनका आत्मा भटकता होगा, प्रेतों के घूमते होंगे, उनको भी भगवत स्मृति से सद्गति होगी। जय प्रभु दीन दयाल सुख धाम हरे मेरे राम हरे, सुख धाम हरे मेरे राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सुमृति दूसरी सुमृति है, दाएं नाक से श्वास लो लो और लो, रोको, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं और भगवान मेरे ज्ञान स्वरूप, मैं उनकी स्मृति में पावन हो रहा हूं। ओम ओम ओम, श्वास रोककर मन में स्मरण करो प्रभु के पवित्र नाम का। मेरा और शरीर का माना हुआ संबंध है, मेरा और संसार का काल्पनिक संबंध है, लेकिन जीव आत्मा परमात्मा का सच्चा संबंध है, मैं हूं परमात्मा मेरे। ओम ओम ओम। अंतर्यामी भगवान बड़े खुश होंगे कि जन्मों का भटका हुआ जीव आज मेरे तरफ आ रहा है, मुझे पुकार रहा है। ओम ओम ओम। अब बाएं नाक से श्वास छोड़ दो, बाएं नाक से श्वास लो लो और लो, और यही पावन जप करो, ओम ओम प्रभु जी ओम, आनंद देवा ओम, चैतन्य स्वरूपा ओम, मेरा मुझको धन्यवाद है, मेरा पिया मेरा आत्मा है, मैं जिस चीज को महत्व देता हूँ वो महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा आत्मा महत्वपूर्ण है। ओम ओम आनंद, ओम शांति। अपने स्वभाव का आत्मा का स्मरण, ये बहुत ऊंचा स्मरण है। सवा मिनट श्वास रोककर ऐसे स्मरण में ओम और ओम स्वरूप आत्मा की महत्ता आनंदता, फिर दाएं नाक से श्वास छोड़ो, दाएं से फिर लो श्वास लो लो और लो, और थोड़ा लो, फेफड़ों की रोग प्रतिकारक शक्ति बंद छिद्र खुले होंगे,
श्वास लो, रोको, लो, जप करो। ऐसा 5 बार करना, अभी मैं 2 बार कराया हूं, तुम 5 बार करना। अभी मैं करता हूं, ऐसा करो मेरे साथ 5 बार करके फिर करना है। अब मैं कम करवाता हूं। फिर से लंबा सांस लो, लो 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 लो। ऐसा 2 बार बच्चों को भी करवाओ, उनकी याद शक्ति बढ़ेगी, स्मृति बढ़ेगी भले पढ़ने में, और तुम्हारी स्मृति बढ़ेगी भगवान में। ये स्मृति बढ़ाने का केंद्र है, और इसकी स्मृति का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि मरते समय भी भगवान की स्मृति का महत्व होगा, तो आप भगवान में मिलेंगे। राजा आज का स्मरण ऐसा वैसा था, द्वेष का तो सर्प बन गए। जिसका जैसा स्मरण होता है वो उसी को प्राप्त करता है। तो आप भगवान को महत्व देकर, महत्वपूर्ण स्मरण भगवान का, जैसे ड्राइवर या पन्नीहारी, महत्वपूर्ण स्मरण घड़ों का है या ड्राइवर का, स्टीयरिंग का है, बाकी सब अवांतर स्मरण करके काम चला रहा है। ऐसे तुम महत्वपूर्ण भगवान मेरे में, भगवान संसार स्वप्न प्रभु अपना, इम्पोर्टेंस इस बात को दो, बाकी का तुम अपना काम काज करो। और जब काम काज से निवृत्त हो तो भगवान में शांति, और बीच बीच में भी भगवान में शांति। जैसे उल्टा स्त्री है, अपना घर का काम करती है लेकिन अपने प्रेमास्पद को याद रख लेती है, ऐसे ही अपने परमेश्वर को, अपने आत्म स्वभाव को याद रख, ये भी बड़ा सुमरण हितकारी है। अभी तुम क्या करोगे, श्वास अंदर जाता है ओम, बाहर आता है तो गिनती, श्वास अंदर जाता है शांति, बाहर आता है गिनती, श्वास अंदर जाता है आनंद, बाहर आता है गिनती। थोड़ा सा श्वासोश्वास की गिनती करो। होठों में जप करो, ओम ओम, आनंद स्वरूप ओम ओम। ये वर्तमान को आनंदित रखोगे तो आपका भूत भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आपका व्यवहार उज्जवल हो जाएगा, मन उज्जवल हो जाएगा, मति और निर्णय उज्जवल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सब में परम श्रेष्ठ है। तो परम श्रेष्ठ की स्मृति से और सब श्रेष्ठ होने लगेगा। ओम ओम, कभी कनिष्ठ दिखे तभी भी देखना, परिणाम श्रेष्ठ आएगा। ओम ओम आनंद ओ। 2 मिनट ऐसा सुमरण किया, फिर 1-2 मिनट हृदय से जप करो, प्यार पूर्वक, प्रीति पूर्वक। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है, सुमरण करता है, उसके बुद्धि में मैं अपना योग देता हूँ। तो भगवान का योग क्या है? सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, सुहृद स्वभाव। ये भगवान का स्वभाव आपके स्वभाव को उन्नत कर देगा, आपका स्वभाव गौण हो जाएगा, भगवान का स्वभाव आपके द्वारा चलकेगा, तो आप सबको प्यारे लगेंगे। बापू में और सामान्य आदमी में यही फर्क है, भगवान के सुमरण से बापू प्यारे हो जाते हैं। तो तुम भी बापू बन जाओ, क्या है, बापू नाम न रहे तो कोई बात नहीं, काम तो वही करो जो बापू करते हैं। ओ ओ, अब कंठ से सुमरण करो। मैं भगवान का हूँ, ओम।
राजा जनक ने सोचा कि सत्संग के बिना मनुष्य चाहे कितना कुछ मिल जाए, लेकिन भगवत स्मृति, भगवत रस, भगवत ज्ञान के बिना मनुष्य पशु की नाई कमा कमा के छोड़ के मर जाता है, उसका भविष्य गंदा हो जाता है। इसलिए राजा जनक ने सत्संग का आयोजन किया। जो ही सत्संग शुरू हो, उतने में ही बड़ा भयंकर काला सांप आया। सांप को देखकर सत्संग में हिलचाल हो गई। त्रिकाल ज्ञानी अष्टावक्र ने कहा, ये सांप जंगली सांप तो है, लेकिन तुमको काटेगा नहीं। ये मिथिला का 7 पीढ़ी पहले का जो राजा था ना, वही अभी सांप योनि में यहाँ सत्संग सुन के अपनी सदगति करेगा, और देखते देखते इसका शरीर यहीं शांत हो जाएगा, और इसी के शरीर के जीव आत्मा देवता के रूप में बदल कर फिर मेरे से बातचीत करेगा, और मैं उसका अनुभव तुमको सुना दे ऐसा आदेश दूंगा। इसलिए तुम इस सांप से डरना नहीं, इसके द्वारा बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सत्संग एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जो सत्संग पूर्णाहुति के तरफ गया, वो सांप अपनी फन सीधी करके फिर झपटे। कुंडली मार के बैठा सांप सीधा हो और फिर झटके पटके, ऐसे 5-25 बार झटक पटक के बाद एक पत्थर से उसकी फन टकराई, खून निकला, उसका जीव रूपी ज्योति निकल कर देवता के रूप में प्रकट हो गया। राजा जनक और दूसरे लोग आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगे। तब वो देव पुरुष ने कहा कि महाराज, मैं वही अभागा राजा अज हूँ, आज से 7 पीढ़ी पहले। बोले, मुझे पता है, मेरे सत्संगियों को सुनाओ। पुत्र हो तो जनक जैसा हो। मैं मर गया था, यमराज ने सुनाया कि तुमको सांप, डेंडू और अजगर की नीच योनियों में 1000 वर्ष भटकना पड़ेगा। मैं विलाप करने लगा, त्राहिमाम पुकारने लगा, रुदन करने लगा, तो यमराज ने कहा, इधर ऐसा कुछ नहीं चलता है। हाँ, भगवान को प्रार्थना करो, अगर तुम्हारे कुल खानदान में ब्रह्मज्ञानी गुरु का कोई सत्संग करे, कराए, अथवा उसमें भागीदार भी हो, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तर जाएगी। भगवान अगर तुम्हारे कुल खानदान में ऐसा सपूत पैदा करे कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करे, करावे, या तो उसमें भागीदार हो जाए। तो मैंने यमराज को कहा कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे कुल खानदान में ब्रह्म ज्ञान का कोई सत्संग कराने वाला सपूत पैदा हो 7 पीढ़ियों में, पुत्र, पुत्र का पौत्र, प्रपौत्र, प्रपौत्र का पुत्र, 7वीं पीढ़ी में भी अगर कोई ब्रह्म ज्ञान का सत्संग, सच्चे संत का सत्संग करे, कराए, तो उस समय में चाहे किसी नीच योनि में हूँ, लेकिन सत्संग का माहौल देखने का मेरा सौभाग्य हो, ये वरदान आप दे सकते हैं यमराज। यमराज ने कहा, बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बढ़िया, साधु साधु, तुम्हारी सीधी साधी बात है, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर मेरे को, मेरे जीवत्व को गिरा दिया गया हवाओं में, वनस्पतियों में आकर, फिर मैं अजगर बना। रात को पेट भरने को निकलता, कभी तो मिलता शिकार, कभी मरा मराया जीव जंतु ले लेता, कभी पक्षियों के घोंसले में बच्चे चबा लेता। एक पूनम की रात में विफल गया शिकार में, वापस लौट रहा था अपने बिल के तरफ, तो जंगल में लकड़ी, घास और शहद के छत्ते खोजने वाले लोग चांदनी रात में मेरे को देख गए, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। मैं बिल में भागता गया, आधे से ज़्यादा घुस गया, मेरी पूंछ पर उनके डंडे और लकड़ियाँ पड़ी, पत्थर पड़े, लहूलुहान हो गया। सोचा अपनी पूंछ घसीट के बिल में आराम करूँगा, लेकिन भाइयों, जो मनुष्य जन्म में सत्संग सुनकर भगवान की दीक्षा लेकर अंतर्यामी भगवान के ध्यान में आराम नहीं करता, वो भैंसा बनने के बाद या सांप बनने के बाद कहाँ अंतरात्मा में आराम करेगा। कीड़ियों को मेरे खून की गंध आई और कीड़ियों की कतारें टूट पड़ी उस बिल में, न जाने कितनी सैकड़ों हजारों कीड़ियाँ मुझे नोचने लगी। दिन में भी कीड़ियाँ सक्रिय और रात में भी सक्रिय। एक दिन और एक रात बीती, मैं निस्तेज हो गया, शरीर से खून निकला, पेट में खुराक नहीं। दूसरे दिन की रात तो और कठिन, तीसरे दिन की रात तो और कहर भरी थी, चौथे दिन की रात की तो बात ही न करो, भगवान न दे ऐसी कोई किसी को हालत। राजा होकर जो भी ऐश किए, इन कीड़ियों ने मानो हुई
उनका शोषण किया होगा, कभी मेरा उसने बदला लिया। ऐसे पांचवें और छठे दिन की रात तो कल्पनातीत हो गई, मैं मूर्छित हो जाता था। सातवें दिन की प्रभात को मेरा दम निकला, फिर मैं पानी का सांप बना, मेंढक पकड़ा पेट की भूख निकालने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए मेंढक का शिकार किया और मेंढक कैं कैं करे ट्रैं। कोई स्नान करने आया उसने पत्थर मारा, मेरा मस्तक टूटा, मूर्छित होकर मरा। 250 साल मैंने दुख भोगे, लेकिन पुत्र हो तो जनक जैसा हो, ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करवा के बाकी 750 वर्ष मेरे माफ हो गए और मैं देवता के शरीर में तुम्हारे सामने पैदा हुआ। सत्संग सुनकर तुमने तो अपना रक्त पवित्र किया, मन पवित्र किया, कान पवित्र किया, बुद्धि पवित्र की। सत्संग की जला जगह पर कदम चल चल के आए तो तुम्हारे पद त्राण और पद भी पवित्र हुए, लेकिन तुम्हारे पिता, पिता के पिता, माता, माता की माता, माता की माता, दादा, दादा के दादा, सबका कुछ न कुछ पुण्य हुआ होगा, बड़ा होगा, वो भी कुछ सदगति को पाए होंगे। और तुम्हारे शरीर में जो भगवत भक्ति से रस बना, जो खून में पवित्रता आई, आने वाली संतान को भी मदद देगी। राजा जनक गदगद हो रहे थे। इतने में पुण्यशील और सुशील पार्षद प्रकट हो गए, अष्टावक्र को प्रणाम करते कि महाराज अब आप आज्ञा दो। हम वैसे तो सूक्ष्म रूप से सब करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ब्रह्मज्ञानी संत के आगे राजा अज ने सिर नवाया, तो आपका भक्त है, तो आपकी इजाजत के बिना हम उचित नहीं समझते थे, इसलिए हम प्रकट होकर आज्ञा लेते। अष्टावक्र ने हाथ का संकेत किया आशीर्वाद का, विमान में चढ़ाकर उनको ले जा रहे थे। जहाँ तक नजर पहुंची जनक ने उनको विदा दी। तुम्हारे घर में भी कोई आए तो 4 कदम चलकर उसको विदा देना, 2 मीठे वचन कहना, पुनः पधारना, आपने बड़ी कृपा की, ये गृहस्थी का पुण्य बढ़ाने वाला है। आओ आदर, नैनों में प्रेम विदा देते समय होना चाहिए। कोई अपने घर पे आए तो अपना ईगो, अपना अहंकार, अपनी शेखी नहीं बगाड़ना चाहिए, उसका महत्व बढ़ाकर आप थोड़ा दैन्यता से उसके हृदय का आशीर्वाद झेलना चाहिए। राजा जनक ने उस दिव्यात्मा को अपने 7वीं पीढ़ी के राजा अज को विदाई दी। फिर गुरु अष्टावक्र को प्रार्थना किया कि आप योग विद्या के धनी हैं, मुझे सिखाओ तो मैं योग शक्ति से ये शरीर यहाँ छोड़कर अपने पूर्वजों को स्वर्ग में जाकर प्रणाम करके आऊँ। अष्टावक्र मुनि ने उनको ये विद्या बताई, मैं भी तुमको बता सकता हूँ। वो समाने में 2 महीने लगते, तो अभी 4-6 महीने लगेंगे, जरा चंचल जमाना है, लेकिन होता है ये सब। लेकिन उस विद्या से भी ये ब्रह्म विद्या बहुत ज़्यादा ऊंची है। उस विद्या में तो शरीर से निकले फिर पहुँचे ना पहुँचे भटक गए, इस विद्या में खतरा नहीं। राजा जनक उस विद्या के बल से यमपुरी गए तो यमराज ने कहा तुम मर कर नहीं आए हो, योग विद्या से आए हो, फिर भी तुमने लोगों के लिए सत्संग का अमृत प्याऊ खोला, इसलिए जनक हम तुम्हें सहयोग करेंगे। अच्छे आदमी को दूसरे अच्छे आदमी सहयोग करते ही हैं, सिंपैथी हो ही जाती सज्जन सज्जन की। स्वर्ग तो जनक इधर को है और नरक कुंभीपाक रव रव ये तमाम प्रकार के नरक इधर है। मैं 2 आदमी देता हूँ, 2 दूत तुमको नरक से लेते घुमाते हुए स्वर्ग में ले जाएंगे, पीछे के दरवाजे से वो दर्शन करा देंगे। विधान के खिलाफ है लेकिन तुमको हम सहयोग करते हैं। तो राजा जनक जब नरक में गए तो आक्रांत, हाय कष्ट, हाय हाय दुख पीड़ा, मर गए। सब कुछ जानने वाले जनक अनजान होकर दूतों से पूछते ये क्यों कहरा रहे। बोले महाराज पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन हरामियों ने पुण्य किया नहीं। कमाई का 10वां टका दान करना चाहिए, समय का 10 टका ध्यान भजन करना चाहिए, आदि एक सब किया नहीं। अमावस्या को, पूनम को पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना चाहिए, विकलांग संतान पैदा होती है, नहीं तो जीवलेवा बीमारी पैदा होती है। शिवरात्रि, होली, दिवाली, जन्माष्टमी इन दिनों संभोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इन निगुरे पापियों ने हमें कोई परवाह नहीं, इसीलिए नरक का दुख भोग रहे। राजा जनक थोड़ी देर के लिए द्रवीभूत हो गए, शांत, श्वास अंदर जाए और बाहर आए शांति।
निसंकल्प नारायण में, जैसे ब्रह्मा जी आत्मा में विश्रांति पाते ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग भी पाते, जैसे भगवान नारायण भगवान शिव आत्मा में शांत पाते हैं शांति, ऐसे ही जनक ने पाई। और अपनी मीठी नजर से उन पापियों को देखा, पापियों के पाप ताप चले गए, जनक जुग जुग जी हो जाए हो, आनंद आनंद आह्लाद प्रसन्नता, बड़ी खुशी खुशी अच्छा लग रहा है, जनक तुमको देखकर अच्छा लग रहा है। नारकी लोगों के पाप मिट गए, ताप मिट गए, नारकी यातनाओं चली गई, बड़ी खुशी और शांति आने लगी।